नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं परवीन। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सिंपल सी फ़ोटो को इस प्रकार से एडिट करके अपना नाम और डेट ऑफ फोटो अपनी फ़ोटो के नीचे लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो ये बिल्कुल ईजी स्टेप है, आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखा दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के अंदर पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है वो ओपन करना है। अगर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर ये इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको आपको ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप में और इसके बाद आपको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। देखिए, जहाँ जहाँ मैं ये एरो लेके जाऊँगा आप गौर से देखते रहिए कहाँ कहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, तभी आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे, आपको यहाँ पिक्चर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी जहाँ पर ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके रखी हुई है जिसमें मैंने कुछ भी नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो है और इस फोटो को मैं यहाँ पे मेरी फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से साइड में लेके जाना है और इसके बाद आपको यहाँ क्रॉप पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ क्रॉप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से निशान आ जाएंगे इस फोटो के चारों तरफ, आप इन्हें इस प्रकार से क्लिक करके सेट कर लीजिए थोड़ा सा आगे की तरफ फोटो के, और यहाँ नीचे से भी आपको इसी प्रकार से कॉर्नर पे पकड़ के इसे ऐसे थोड़ा सा फोटो के आगे सेट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ क्रॉप पे दोबारा से क्लिक कर देना है। तो ये फोटो चारों तरफ से क्रॉप हो जाएगी और इसे आप इस प्रकार से सेट कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर सेट हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डब्बा सा यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जो ये वाला डब्बा है चार कोने वाला ये सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक करके इस डब्बे को यहाँ पर इस प्रकार से लगा देना है। तो अब यहाँ पर ये लग चुका है, अब हमें यहाँ पर डबल क्लिक करना है इस प्रकार से। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और आप अपना नाम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, NAME PRVWN REJPUT प्रवीण राजपूत, और लिख देता हूँ मैं डेट ऑफ फोटो DOT O.P डेट ऑफ फोटो हमें यहाँ पर डालनी है। तो आज 22 जून है तो मैं डाल देता हूँ 22 JUN 2018। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने अपना नाम और डेट ऑफ फोटो दोनों डाल दी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ आपको जैसे भी कलर में अपना नाम करना है आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्लैक करके दिखा देता हूँ, यहाँ ब्लैक सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये देखिए ब्लैक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये डब्बा हमें कैसा करना है, काफ़ी फॉर्मों के अंदर इस डब्बे को ब्लैक मांगते हैं पीछे वाले को और किसी फॉर्मों के अंदर इस डब्बे को वाइट मांगते हैं। तो RPF रेलवे का जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें ये पीछे वाला जो डब्बा है वाइट मांगा हुआ है। तो इसको वाइट करने के लिए आपको यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करना पड़ेगा, फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेव फील्ड पर क्लिक करना होगा और यहाँ इसके बाद आपको इस वाइट डब्बे पर क्लिक करना होगा। तो आपका ये डब्बा भी एकदम वाइट हो जाएगा। इसके बाद आपकी डब्बे की जो चारों तरफ की बाउंड्री है आपको वो ब्लैक करनी है, तो आप यहाँ सेव आउटलाइन पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ विजिट्स पे जाइए और यहाँ पे देखिए आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगे। मान लो मुझे ये वाली सही लग रही है तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए ये चारों तरफ इसके बाउंड्री हो गई है इस डब्बे के। तो इस बाउंड्री को ब्लैक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये बाउंड्री ब्लैक हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना नाम और डेट ऑफ फ़ोटो है ये थोड़ी बड़ी करनी है, तो आप इन्हें सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ होम पे क्लिक कीजिए और यहाँ बोल्ड पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए ये थोड़े से बोल्ड हो गए हैं तो आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। और आपको ये थोड़े और बड़े करने हैं तो आप यहाँ 18 पे जो सेलेक्ट किया हुआ है इस 18 को आप 20 पे कर दीजिए या 24 पे कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ 24 पे कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारी यहाँ पर नेम और डेट ऑफ फ़ोटो बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइल पे जाना है और इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये मांगेगा कि आपने जो फोटो अभी एडिट की है वो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने जो ये फोटो यहाँ से उठाई थी यहीं पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो ये फोटो है ये सेव करनी है, आपको यहाँ पर पावर पॉइंट नीचे जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और इस फोटो को आपको JPEG फाइल के अंदर सेट करना है। देखिए यहाँ पर JPEG फाइल आ गई है, ये सेट करने के बाद आपको इस फोटो को सेव करना है। अब हम इस फोटो को सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मांगेगा कि आपको सभी स्लाइडें सेट करनी है या फिर जस्ट दिस वन एक ही स्लाइड करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए जस्ट दिस वन पे, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो देखिए, अब आपकी फ़ोटो डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हरियाणा के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे तो देखिए इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा ये रही, ये वाली फ़ोटो हमने अभी अभी बनाई है। देखिए इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो प्रीव्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये फ़ोटो हमने की है। तो देखिए दोस्तों ये फ़ोटो हमारी एडिट हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह से एडिट नहीं हुई है, ये साइड में वाइट जो दिख रहा है इसे भी हमें ख़त्म करना है, हमें सिर्फ फ़ोटो फ़ोटो ही दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको वापस बंद करके इस फोटो पे राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे इस प्रकार से, और हमें ये नहीं करना है, ओपन विद करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 पे क्लिक कर देना है कि यहाँ पर हमारे सामने ये फ़ोटो आ जाएगी। तो हमें इस फोटो फोटो को ही सिर्फ क्रॉप करना है, तो हम यहाँ एडिट पे जाएंगे। तो एडिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे हमारे सामने, तो हमें यहाँ क्रॉप वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे ये चारों तरफ कोनों के अंदर ये काले काले निशान आ जाएंगे, इन्हें पकड़कर हम इस प्रकार से इस फोटो के पास ले आएंगे। इसी तरह से जो नीचे वाला है इस निशान को भी यहाँ पर ले आएंगे इसके बिल्कुल नज़दीक इस प्रकार से, और फिर इसके बाद हम दबा देंगे ओके पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपको फाइल पे जाना है, यहाँ कंट्रोल एस पे आपको क्लिक करना है। अब आपकी ये फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी, बस आपको इसे आप बंद कर देना है। अब देखिए आप देख सकते हैं जो ये फोटो आपने बनाई थी ये पूरी तरह से बन चुकी है। अब हम इस फोटो को राइट क्लिक करके प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये पूरी फोटो फोटो हमें दिखेगी, जो साइड में हमें वाइट कलर दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। ये देखिए अब हमें सिर्फ ये फोटो ही दिख रही है, साइड में हमें कोई भी यहाँ पर वाइट कलर नहीं दिख रहा है। तो ये फोटो हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। और इस फोटो का आपको साइज देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 47.9 KB की ये फोटो बन चुकी है, 47.9 KB। और इसका साइज आप यहाँ राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी पे जाइए और यहाँ पर प्रॉपर्टी में इसका साइज दिखा देगा, ये देखिए ये 47.9 KB और साइज ऑन डिस्क 48.0 KB का है। तो ये इतनी के बी की फ़ोटो बनी है। तो कई फार्मों में क्या होता है कि जो ये जितनी के बी की होती है कुछ हिसाब से मांगी जाती है, जैसे कि किसी फार्मों के अंदर 50 से 100 KB के बीच फ़ोटो मांगी गई है तो आपको उसी हिसाब से इसका के बी भी सेट करना होता है। तो जो ये के बी होता है ये कैसे सेट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता रखा है, तो अगर आप इसका के बी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने वो वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके फोटो का साइज़ किस प्रकार से कम ज़्यादा किया जाता है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।